क्या प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के रिश्ते में दरार आ गई है? क्या 3 साल बाद ही प्रियंका और निक की शादी मुश्किल में पड़ गई है? ये सारे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं और इसकी वजह है ये। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नाम से पति का नाम जोनस हटा दिया है। शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपना नाम प्रियंका चोपड़ा जोनस कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम फिर से प्रियंका चोपड़ा कर दिया है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका की मम्मी ने एक जगह ये कहा है कि ये सारी खबरें बकवास हैं और प्रियंका और निक के रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद प्रियंका की मम्मी ने मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं की। एक खबर ये भी है कि प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। ये मैट्रिक्स सीरीज की 4थी फिल्म है और हाल ही में इस फिल्म से प्रियंका का कैरेक्टर पोस्टर भी रिलीज किया गया। फिल्म का ट्रेलर पहले ही आ चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म में निक जोनस का भी कैमियो है और उनका प्रियंका चोपड़ा के साथ भी एक सीन है जिसकी शूटिंग भी वो कर चुके हैं। इसके अलावा प्रियंका नेटफ्लिक्स का एक शो भी कर रही हैं जिसमें वो जोनस ब्रदर्स और उनकी फैमिली को रोस्ट करती दिखेंगी, यानी अपने ही ससुराल वालों को रोस्ट करेंगी प्रियंका। तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ये सब अपनी फिल्म और इस शो के प्रमोशन के लिए तो नहीं। और प्रियंका चोपड़ा ने निक की पोस्ट पर जो कॉमेंट किया है उससे तो यही लग रहा है। निक ने ये वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस वीडियो पर प्रियंका ने कॉमेंट किया, उफ, मैं तो तुम्हारी बाहों में ही मर जाऊं। अब इससे तो यही लग रहा है कि भाई दोनों के बीच सब ठीक है, क्योंकि प्रियंका अचानक से क्यों ऐसे अपना नाम बदलेंगी। प्रियंका और निक ने 1 दिसंबर 2018 को जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में शादी की थी और 3 साल बाद प्रियंका ने अपने नाम से जोनस हटाकर खूब सुर्खियां बटोर ली हैं। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।